वॉयज, ये महज एक लफ्ज नहीं, एक पूरा सफर है। स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हैं, पर जिंदगी के असल मायने तो हमें कॉलेज ही सिखाता है। फिल्मों में जैसा देखा था ये उससे बिल्कुल अलग है। मौज मस्तियों से भरे ये 3 साल आसान भी है और मुश्किल भी। यहाँ पहले दिन की वो झिझक है और थोड़ी सी घबराहट। टीचर्स अलग है, दोस्त अलग है और अलग है कैंपस की सूरत और हालत। शुरुआत के कुछ दिन तो तुम्हारी अटेंडेंस फुल रहती है और फिर तुम्हारी पूरी टोली आजादी यहाँ पूरी है। पर इस आजादी का फायदा उठाओगे तो आखिर में तुम खुद ही मुश्किल में फंस जाओगे। कुछ नए दोस्त बनेंगे तो कुछ पुराने हो गए, कुछ बिछड़ जाएंगे तो कुछ आखिर तक साथ निभाएंगे, कुछ तुमसे असाइनमेंट्स लिखवाएंगे तो कुछ तुम्हें अकाउंट्स सिखाएंगे। किसी को प्यार होगा तो कहीं खींचतान होगा, किसी का दिल टूटेगा तो किसी का इश्क मुकम्मल होगा। एग्जाम्स की याद तो एग्जाम्स के वक्त ही आएगी। पहले साल की गेटी सॉल्व करते करते अगले साल 2 और आ जाएगी। कभी क्लास के बाद कैंटीन में मिलोगे तो कभी पूरी क्लास कैंटीन में ही निकल जाएगी। कहीं घूमने जाने का प्लान तो बनाना ही मत, क्योंकि दोस्त भी साले ऐसे मिलेंगे कि 2 आएंगे तो 2 मुकर जाएंगे। कुछ प्रोफेसर दोस्त बन जाएंगे तो कुछ इतना पकाएंगे कि तुम कहोगे हे भगवान ये क्लास से कब जाएगी। धीरे धीरे ये सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, तुम्हें जिंदगी के दरवाजे तक छोड़ेगा। स्कूल की तरह इसकी भी सिर्फ यादें रह जाएगी जो जिंदगी भर तुम्हें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ बताएगी। ये बच्चे से बड़े होने का सबर है कॉलेज, ये महज एक लफ्ज नहीं, पूरा सफर है। তো আমার চ্যানেল নাম কি জয়পুর ব্লগ, মানে আমি সবসময় মাসি থাকি, আমার কোনো টেনশন নাই, বাবার খাই, দাদার সাথে ঘুরি, পুরা বিন্দাস।